हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए एक नया वीडियो है इंग्लिश का है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 12th क्लास के लिए। जो भी बच्चे बोर्ड दे रहे हैं उसके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। आज हम आपके लिए लेके आए रिपोर्ट राइटिंग 3D पॉइंट के द्वारा। आज हमको बताएंगे किस प्रकार से रिपोर्ट लिखना है, क्या ट्रिक्स है, कैसे आपको मैक्सिमम मार्क्स उठाना है रिपोर्ट राइटिंग से। एक्चुअली रिपोर्ट राइटिंग कहा जाए तो बहुत ही हार्ड होता है बच्चों के लिए, लेकिन जैसा सोचा जाता है एक्चुअली में ऐसा होता नहीं। अगर आप मेरे मेथड से चलते तो आप मैक्सिमम मार्क्स उठा सकते। आइए हम बताते हैं पहले आपको क्या करना है। देखिए यहाँ कुछ लिखा हुआ ट्रिक्स जो दिया गया है अर्जुन गुप्ता के द्वारा, जो 3D पॉइंट के द्वारा है। ट्रिक्स में क्या बोलता है, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट इन लास्ट ऑफ आंसर शीट ऑफ एग्जामिनेशन पेपर। मीन्स एग्जामिनेशन पेपर्स के लास्ट में आपको इस फॉर्मेट को लिख करके रखना है। देन यू हैव टू थिंक ऑन टॉपिक एंड राइट रिपोर्ट इजिली। उसके बाद आपको इस टॉपिक पे सोचना है, रिपोर्ट को लिखना है, क्योंकि आपका जो रिपोर्ट आएगा अनसीन आएगा। मीन्स ऐसा क्वेश्चन आएगा जो आपको देखा हुआ नहीं रहेगा। और रिपोर्ट्स ऐसा होता है जो किसी घटना का हो जाने के बाद, मीन्स इवेंट को हो जाने के बाद उस घटना का कुछ जिक्र करना पड़ता है। उस घटना में शामिल होने के बारे में हमको बता देना, रियल लाइफ उस घटना में शामिल नहीं होती, लेकिन उस घटना के बारे में आपको सोच करके लिखना है। मींस जैसे एक न्यूज रिपोर्टर पहुंचता है किसी घटना स्थान पर, वहां पे बाद में पता करके सारे उस कलेक्शन करके उस न्यूज को बताता है। जैसे उसी तरह आपको इस एक घटना बताया जाएगा, उस घटना को सोच करके उसका डिस्क्राइब करना। उसके लिए आपको तो मेन पॉइंट तो लर्निंग चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जिस प्रकार न्यूज पेपर एक हेडिंग दिया जाता है, उसी प्रकार आपको बाद में एक आपको टाइटल या तो हेडिंग देना है और भी कैपिटल लेटर्स में देना। उसके बाद अपना नाम देना है, मीन्स अपना नाम से देना है। नाम कौन सा नाम से देना है, अगर क्वेश्चन में अगर नाम दिया गया है तो उसमें उसी का नाम डालिएगा, अन्यथा अपना नाम डालिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हेडर डालना है, मीन्स हेडिंग डालना है, उसके बाद बाय नेम, उसके बाद प्लेस और डेट। प्लेस या डेट अगर क्वेश्चन में दिया गया तो वही डालिए, ना था फिर से अपना। उसके बाद स्टार्ट कीजिए फर्स्ट पारा, तीन पारा आपको लिखना है। इसका वर्ड लिमिट होना चाहिए 100 से 125 वर्ड। उसके लिए हम कुछ वर्ड्स का जो कटअप करके किस प्रकार से कितना वर्ड लिखना है हम बता दिए। जैसे फर्स्ट पारा में व्हाट वेयर व्हेन हु, मीन्स कोई भी घटना क्या हुआ है, कहाँ हुआ है, कब हुआ है और कौन उसमें शामिल था, उसके बारे में आपको 30 वर्ड्स में जिक्र करना है। इसी प्रकार जिक्र करते हुए आपको सेकेंड पारा पे आना है। सेकेंड पारा में उसी घटना क्या हुआ उसके बारे में डिटेल बताना है, क्या कारण था उसके बारे में बताना है, उसका प्रभाव क्या पड़ा, मीन्स इफेक्ट क्या पड़ा, डिटेल ऑफ द प्लेस कौन से प्लेस में था, कहाँ, उसका पूरा डिटेल्स भरना है। व्हाट एक्शन टेकन बाय दैट प्लेस, उस प्लेस पे क्या मैटर पे उससे लिया गया, मीन्स क्या उसके घटना का रिजल्ट आया, उसके बारे में आपको बताना है। मीन्स इसमें से आपको 75 वर्ड क्रॉस करना है, डिटेल्स को लेकर, कारण को लेकर, प्रभाव को लेकर और उस प्लेस को लेकर। आइए थर्ड पारा जो लास्ट पारा होता है उसमें प्रोमिसेस बाय ऑफिसर्स, कोई ऑफिसर सरकारी ऑफिसर्स आया, पुलिस ऑफिसर्स आया, उसके बारे में कोई प्रॉमिस किया, क्या किया, या कोई MLA आया उसके बारे में क्या बताया कि जैसे कोई घटना हुआ उसका एक्सीडेंट हुआ अगर उसके बारे में कुछ हो गया तो उसका घटना का जो ऑफिसर्स आके क्या बताया कि उसे मुआवजा मिलेगा कि नहीं, कोई कंपेंसेशन इफ एनी अगर कोई मुआवजा देने की बात करता है क्षतिपूर्ति का, जैसे बिल्डिंग धस गया, ऐसे वगैरह घटना का अगर जिक्र करना तो आपको ये सब प्रोमिसेस बाय ऑफिसर अगर कोई दिया तो उसके बारे में आपको बताना है। आइए हम देखते हैं जैक आधारित कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया, इसमें से आपको सारा फंडा क्लियर हो जाएगा। देखिए तो 16 क्वेश्चन पूछा था, यू अटेंड योर कजिन्स वेडिंग रिसेंटली, मतलब हाल ही में आप अपने कजिन्स चचेरी का वेडिंग्स में आप अटेंड किए हैं। डिस्क्राइब द इवेंट्स विच टुक प्लेस देयर, मीन्स उस डिस्क्राइब करना उस इवेंट विच घटना, मीन्स उस जो फंक्शन था वेडिंग का उसमें क्या हुआ। तो देखिए इसमें तो ना आपका नेम दिया गया है, ना आपका प्लेस दिया गया है, ना आपका डेट दिया गया, मीन्स इसमें से आप कोई भी डेट प्लेस नेम यहाँ पे इस जगह पे लिख सकते हैं। हेडर में आपको लिखना है कजिन्स वेडिंग, तो हेडर यहाँ मिल गया आपको, तो मात्र प्लेस और डेट आपको खुद से अरेंजमेंट करना है, बाकी इवेंट के सारे डिटेल आपको खुद से भरना है। इसी टॉपिक पे अगर इस टॉपिक का फॉर्मेट आपको लर्न होता है तो आप इजिली रूप से एग्जाम से स्कोर कर सकते हैं मार्क्स।
के 2011 जैक में पूछा गया क्वेश्चन है, योर स्कूल सेलिब्रेटेड द टीचर डे ऑन 5 सितंबर। आपको पता है 5 सितंबर में टीचर्स डे मनाया जाता है, तो आपको बता दिया गया आप एक टीचर डे सेलिब्रेट किए 5 सितंबर को, प्रिपेयर अ रिपोर्ट, आपको रिपोर्ट करने तैयार करने बोला है इन 125 वर्ड्स मीन 125 वर्ड्स में, टू बी पब्लिश्ड इन योर स्कूल मैगजीन्स, मतलब आपको एक मैगजीन मतलब कुछ मैगजीन्स छपती है स्कूल में उसमें आपको पब्लिश करना है। आगे क्या बताया है, यू आर मोहित आपका या मौली मीन्स आपका नाम दे दिया, अगर आप वॉयज है तो मोहित लिखते हैं या मौली लिखा था कुछ भी आप लिख सकते हो उसमें कोई प्रॉब्लम। ऑफ एबीसी स्कूल रांची मीन्स आपका एड्रेस भी दे दिया गया है मीन्स कौन से प्लेस पे हुआ, तो एबीसी स्कूल रांची, डेट नहीं दिया तो डेट भी दे दिया गया कब, तो 5 सितंबर मीन्स आपका नाम या नेम भी दे दिया गया है, प्लेस भी दे दिया गया है और साथ में डेट भी आपको दे दिया गया, साथ में उसमें आपका टाइटल भी दे दिया गया टीचर डे। तो मां इसी फॉर्मेट पे चलिए, इजीली रूप से लिखिए और अच्छी मार्क्स गेन कीजिए। अगर अच्छी मार्क्स आता है तो आइए हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कमेंट और लाइक को बढ़ाइएगा अगर आपका एग्जामिनेशन अच्छा जाता है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशंस, वेलकम्स।